हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि वो होने वाला है समर स्लैम से पहले का आखिरी रॉ, यानी कि वहां पर हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग चीजें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि ब्रॉक लेसनर इसके अलावा समर स्लैम के लिए और भी कई सारे मैचेस कन्फर्म होते हुए दिखेंगे। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में। तो बात करें सबसे पहली चीज की, सबसे पहली चीज जो जुड़ी है वो है ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस से। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस दोनों को एडवर्टाइज किया जा रहा है नेक्स्ट शो के लिए, और WWE ने ब्रॉक लेसनर को तो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है नेक्स्ट शो के लिए, बट सेथ रॉलिंस को अभी सिर्फ एडवर्टाइज ही किया जा रहा है। लेकिन इसके 99.9% चांसेस है कि वो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाल ही के हुए लाइव इवेंट में वो हमें देखने को मिले थे और उन्होंने एक मैच भी कम्पीट किया था, जो कि मैंने आप सबको बताया भी था। इसलिए हो सकता है कि अगर सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर दोनों मौजूद रहेंगे नेक्स्ट शो में, तो हमें फिर से एक काफी जबरदस्त ब्रॉल भी देखने को मिल सकती है। और बात करें कि क्या इस रॉ में भी हमें वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि हमने पिछले रॉ में देखा था, यानी कि ब्रॉक लेसनर का एक काफी जबरदस्त वाला अटैक सेथ रॉलिंस के ऊपर। तो गाइस, आप सबको बता दूं कि इस बार हो सकता है कि हमें कुछ अपोजिट देखने को मिले, यानी कि जैसा हाल ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस का पिछले वीक किया था, वैसा ही हाल वो कुछ इस वीक कर दे चेयर या फिर उनके क्रचेस के सहारे ब्रॉक लेसनर का, अगर वो लेकर आते हैं। क्योंकि अगर फिर से सेथ रॉलिंस पर इतना ज्यादा अटैक होता है तो वो सीरियसली इंजर्ड भी हो सकते हैं, और हम सब जानते हैं सेथ रॉलिंस के पास्ट में उन्हें कितनी इंजरी का सामना करना पड़ा था, यानी कि इस वीक हमें ब्रॉक लेसनर पर अटैक होते हुए दिख सकता है। इसके अलावा बात करें 24/7 चैंपियनशिप के बारे में, तो हम सब जानते हैं पिछले वीक मारिया कैनलिस ने अपने हस्बैंड माइक कैनलिस को पिन कर बन गई थी 24/7 चैंपियन, जो कि थी फर्स्ट एवर प्रेग्नेंट चैंप। अब यहां पर WWE ने एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग करी है, और वो है कि आखिर कौन पिन करेगा एक प्रेग्नेंट वुमेन को। बट आप सबको बता दूं कि ड्रेक मैवरिक ने कहा है कि उन्हें कोई शर्म नहीं है, उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है एक प्रेग्नेंट वुमेन को पिन कर 24/7 चैंपियन बनने में, यानी कि ड्रेक मैवरिक ने कहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पिन कर सकते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को। इसलिए अब देखना होगा क्या ड्रेक मैवरिक नेक्स्ट रॉ में बनते हैं फिर से 24/7 चैंपियन, या फिर वो चैंपियन बनकर आर्थर रूथ के हाथों हार भी जाते हैं। इसलिए अब देखना होगा कि आखिरकार 24/7 चैंपियनशिप के रिलेटेड नेक्स्ट रॉ में हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा WWE नैटालिया और बैकी लिंच के रिलेटेड भी एडवर्टाइज करी है कि आखिर समर स्लैम से पहले के रॉ में इन दोनों का क्या कुछ होगा। इसलिए हो सकता है कि नेक्स्ट रॉ में हमें बैकी लिंच अपना बदला लेते हुए दिखे नैटालिया से पिछले वीक के अटैक का। इसके अलावा बात करें OC के बारे में, तो WWE OC के रिलेटेड भी एडवर्टाइज करेगी। अब जब तीनों चैंपियन बन चुके हैं तो क्या इनका सेलिब्रेशन समर स्लैम तक चलता ही रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं उनके रास्ते में रिको से भी है। अब आप सबको बता दूं कि WWE ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक फोटो को पोस्ट किया जहां पर हमें लुक गैलोस, कार्ल एंडरसन एंड AJ स्टाइल को ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं शिंस्के नाकामुरा। अब मुझे नहीं पता कि इसका आखिर क्या मतलब है, इसलिए अब देखना होगा क्या नेक्स्ट रॉ में हमें इसके रिलेटेड कुछ देखने को मिलता है या फिर नहीं। इसके अलावा बात करें रोमन रेंस के बारे में, तो रोमन रेंस के रिलेटेड WWE ये एडवर्टाइज कर रही है कि आखिर फॉरक्लिफ्ट इंसिडेंट के पीछे कोई रिस्पॉन्सिबल है या फिर नहीं। तो मैंने आप सबको बताया था कि WWE ने हमें ये अपडेट दिए कि वहां पर जो सामान उठाते उस ड्राइवर से कुछ गलती हो गई थी, और वो ड्राइवर कौन है अभी तक पता नहीं चल पाया, और हमने उस बंदे को पीछे से देखा था जिसने ब्लैक एंड व्हाइट कलर का मिक्स टी शर्ट पहना हुआ था, जो टी शर्ट WWE में दो रेसलर्स पहनते हैं, पहले है बडी मर्फी और दूसरे है गोल्डबर्ग। लेकिन मैंने आप सबको बताया कि डेव मेल्जर ने हमें ये अपडेट दिए कि समर स्लैम 2019 में जो रोमन रेंस का अपोनेंट होने वाले हैं वो है डैनियल ब्रायन। इसलिए अगर ऐसा होने वाला है तो जिसने स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में रोमन रेंस पर अटैक किया था वो कोई और नहीं, वो डैनियल ब्रायन ही होंगे। और आप सबको बता दूं सितंबर में होने वाले लाइव इवेंट के लिए डैनियल ब्रायन और रोमन रेंस का मैच भी एडवर्टाइज किया जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि यहां से लगभग 90% से ज्यादा कंफर्म हो चुका है कि रोमन रेंस पर जिसने मिस्ट्री अटैक किया था वो कोई और नहीं, वो डैनियल ब्रायन ही होंगे। अब WWE हमें यहां पर कुछ सरप्राइज देना चाहती है तो वो गोल्डबर्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सब जानती है गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस एक काफी बड़ा ड्रीम मैच है जो कि सब देखना भी चाहते हैं। इसलिए अब देखना होगा कि आखिर नेक्स्ट रॉ में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन गाइस, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किसे देखना चाहते हैं समर स्लैम 2019 में रोमन रेंस का अपोनेंट। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।